पूर्व जन्म का ऋण आनंद रस रत्नाकर 6 मई ये पृष्ठ पावन प्रसंग में से लिया है। कम करो महर्षि कह रहे हैं कि उन दिनों मैं कल्याण पढ़ा करता था और उसमें वेदांत भक्ति और धर्म संबंधी विचार पढ़कर बहुत प्रभावित भी था। खासकर भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी के लेख बहुत प्रिय लगते थे। एक बार मैंने वाराणसी से पैदल यात्रा की और गोरखपुर पहुंच गया। वहाँ गोस्वामी श्री चिमनलाल जी से मिला। उन्होंने भाई जी की बहुत महिमा सुनाई। उसी दिन सायंकाल भाई जी से मिलना हुआ। भाई जी की प्रथम भेंट में उनका विनय, उनकी सरलता, उनका सद्भाव देखकर मेरा मन प्रसन्न तथा प्रभावित हुआ। बातचीत के प्रसंग में उन्होंने पूछा, आप पंडित जी क्या चाहते हैं? तब मैं सन्यासी नहीं था। मेरे मुख से निकला, भगवान का भजन चाहिए और कुछ नहीं। उनके नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। वे बोले, उमा राम स्वभाव जिन जाना, तिन्हीं भजन कज भावना आना। वे जैसे तन्मय हो गए हों, मेरे मन में भगवान का स्मरण और नामोच्चारण होने लगा। कुछ समय तक यह प्रभाव रहा। अवश्य ही उस समय चित्त की दशा असाधारण सी हो गई थी। 2-3 दिन मैं वहाँ रहा। तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा अथवा सुना, उसमें परम पूज्य महाराज श्री पहली बात तो ये बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के लेख को पढ़कर हम लोग कितने प्रभावित हो जाते हैं। यानी ये जो रचनाएं होती हैं उसमें उस व्यक्ति का हृदय बोलता है। सब रचनाएं प्रभावित नहीं करती। हम लोग भी कितना पढ़ते हैं, पर ये आवश्यक नहीं कि जो भी हम पढ़ें, यानी जिसका भी हम पढ़ें, वो हमें प्रभावित करे, हमारे हृदय को छुए, ऐसा आवश्यक नहीं। पर कोई कोई ऐसी वाणी होती है, ऐसा लेखन होता है जिस लेखन के पढ़ने मात्र से वो हमको, हमारे हृदय को छू जाती है। यहाँ महर्षि अपने बारे में बता रहे हैं कि खासकर भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी के लेख बहुत प्रिय लगते थे, है ना? और इन जनरल महर्षि कह रहे हैं कि वेदांत भक्ति और धर्म संबंधी विचार पढ़कर मैं बहुत प्रभावित भी था। कल्याण में और लोगों के भी आते थे, महात्माओं के भी आते थे, शंकराचार्य वगैरह, धर्म सम्राट कपाती जी महाराज, पर ये जो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिनका भाई जी करके संबोधन करते थे लोग, जैसे हम लोग महर्षि को, सद्गुरुदेव को महर्षि से संबोधन करते हैं,
तो इनकी जो लेख थे उसमें ये प्रभाव था। एक तो वो बहुत उच्च कोटि के साधक थे, बल्कि अपने शिष्य वर्ग में तो वो सिद्ध ही थे। साधक कहना गलत है, साधक कहना गलत है, क्योंकि राधा का रूप ऐसा बहुत लोगों का भाव था, वो स्वयं राधा ही उस रूप में हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के रूप में। और मुख्य बात तो भगवान ने गीता में विभूति योग में 10वें अध्याय में कही है कि जहाँ जहाँ ऐसी विभूति देखने में आवे, तो चाहे भाई जी हो चाहे और कोई हो, तो वो मेरे ही तेज का अंश बनाए। यद यद विभूति मत सत्वम तत्तद ऊर्जित में वा तत्तदेवा व गच्छत्वम मम तेजो अंश सम। परमेश्वरन जी की बात अभी हम लोग कर रहे थे, तो श्याम जी भी थे। डॉक्टर पुंजानी ने प्रसंग के साथ बताया कि हम कुछ करते नहीं हैं, बस दवा लिख देते हैं और वो रोगी ठीक हो जाता है। तो परमेश्वरन जी ने समझाया, यही श्लोक का उदाहरण दिया, बताया कि वो जो है वो ईश्वरीय चमत्कार है। उसमें वो व्यक्ति नहीं लिख रहा है, यानी ईश्वर उसे प्रेरणा दे के लिखवा रहा है, क्योंकि उसे उसको इनके द्वारा ठीक करना है। तो ये बात उस प्रसंग में विशेष रूप से प्राप्त हुई, यानी जो भी हम लोग करते हैं साधन अवस्था में, तो लगता है कि भाई सामने वाला बहुत प्रभावित हो गया, तो कहीं हमारे में अभिमान ना आ जाए, इसलिए इस श्लोक को याद रखना चाहिए। तो हमने कुछ नहीं किया, ठाकुर जी ने करवा लिया, ठाकुर जी ने कर दिया है ना। उस समय उस विशेष बात हमारे श्याम जी कहते हैं ऑटोमेटिक डिवाइन एक्टिविटी, भगवान रमण महर्षि का ये शब्द है। उनको अंग्रेजी भी आती थी, तो वो कहते थे कि ये ऑटोमेटिक डिवाइन एक्टिविटी, यानी वहाँ ठाकुर जी का ही वो किया हुआ है प्रसंग विशेष। यहाँ पर भी महर्षि को जो प्रभाव पड़ा, तो उनकी इच्छा हुई कि उनसे मिले, और फिर वो मिले भी, और मिलने के बाद कैसे क्या बातें हुई उसका भी यहाँ महर्षि ने वर्णन किया है। महर्षि स्वयं शंकरण बिहारी द्विवेदी के रूप में थे, उसके बाद तो 7 साल वहाँ रहे कल्याण विभाग में निष्काम कर्मयोगी के रूप में, निष्काम सेवक के रूप में। तो अब कह रहे हैं कि एक बार तो ऐसी विलक्षण घटना घटी जैसी लोक व्यवहार में कम ही देखने को मिल सकती है। एक सज्जन आए, भाई जी से बोले, मैं नेपाल की यात्रा करने आया था, पत्नी बीमार पड़ गई है, सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है, अमुक नंबर के कमरे में है, खर्च के लिए पैसा नहीं है, क्या करूं? भाई जी ने उन्हें 250-250 रुपया दिया। तीसरे चौथे दिन वही सज्जन फिर आए, बीमारी गंभीर हो गई है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कुछ और चाहिए, भाई जी ने फिर दिया। 3-4 दिन पश्चात फिर आए, कहा वह मर गई है, उसका क्रियाकर्म करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जब वो कई बार आया, तो वहाँ के जो लोग थे उन लोगों को थोड़ी शंका हुई, और उन लोगों ने भाई जी को कहा कि यह कोई ठग मालूम पड़ता है ना, इसे अब कुछ मत दीजिए। तो अब भाई जी ने क्या कहा वो सुनिए। भाई जी ने कहा कि मैंने तो पहले ही दिन अस्पताल में फ़ोन करके पूछ लिया था, वहाँ कहीं किसी कमरे में इसकी पत्नी दाखिल नहीं है। यहाँ तक कि कहा भाई जी ने कि पत्नी थी ही नहीं है ना, तो बीमारी औषधि क्रियाकर्म की क्या चर्चा। परंतु अब ये प्रश्न उठेगा ना कि ये क्यों हर बार जब वो आता था तो देते रहे। तब उसके लिए भाई जी ने आगे कहा, परंतु जब ये सज्जन मेरे पास आकर बैठे, तो मुझे मालूम पड़ता है कि पूर्व जन्म में मैंने इसे कोई ऋण लिया है, और उसको चुकाना मेरा अवश्य कर्तव्य है। अब भाई जी अपने जो क्रिया, अपनी मतलब जो
विधा है, उन्होंने जो उसको हेल्प करी उसकी चर्चा कर रहे हैं कि भाई उसकी तो आवश्यकता सच्ची है नहीं, क्योंकि पत्नी नहीं है। तो कह रहे हैं कि उनकी आवश्यकता सच्ची है या झूठी, इस विचार से मेरा क्या मतलब। मेरा हृदय इनको कुछ देने के लिए विवश कर देता है, मैं अपने हृदय की पीड़ा मिटाने के लिए देता हूँ। उनकी सच्चाई झूठाई के आधार पर नहीं। एक और वाक्य बोले, भाई जी क्या सच्चे झूठे तो सभी होते हैं। तो एक यहाँ सत्संग की और हमारे मतलब साधना का एक सूत्र दे रहे हैं, क्योंकि सच्चे झूठे तो सभी होते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अपना हृदय सद्भाव पूर्ण रहना चाहिए। इसलिए महर्षि कहते हैं कि रक्षत रक्षत कोशा नाम कृषम कोशम हृदय यशमी सुरक्षित सर्वम सुरक्षितम स्यात्। यानी हृदय जो है अपना सद्भाव पूर्ण रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो इसके सुरक्षित होने से तो सब सुरक्षित रह जाएगा। पर हृदय ही अपना बिगड़ गया तो फिर व्यवहार में और सब प्रकार की मतलब गड़बड़ियाँ ऑटोमेटिक है, अविद्या कामना कर्म। तो इसको अविद्या कामना कर्म से हटने के लिए ये साधना है, क्योंकि विद्या की ओर जाना है तो विद्या के लिए हृदय सद्भाव पूर्ण रहना चाहिए। तो ये नहीं देखना है कि भाई ये सच्चे हैं कि झूठे हैं। भाई जी बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, और जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने यही बात समझाई है कि सामने वाला क्या कैसा है उसको नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि तो परमात्मा ही है, उस रूप में आए। परमात्मा को ये इस प्रकार का एकदम रूप क्यों लेना पड़ा कोढ़ी का, है ना, बेईमान का, कि ये जो है हमारा हृदय इतना कठोर हो गया है ना, वो पसीजता ही नहीं है। हमारा श्री ने अन्यत्र आनंद रत्नाकर ने ये बात कही है कि ठाकुर जी ऐसा ऐसा रूप लेकर भी भाई कम से कम हमारा हृदय पसीजे तो सही, द्रवित तो होवे। कई प्रकार की विधा से ठाकुर जी हमको है ना अपनी वो कठोरता से नीचे उतारना चाहते हैं, पर हम लोग ऐसे हैं कि बस कठोर से और कठोर है ना बनने का प्रयत्न करते हैं। वो ठीक नहीं है, साधना की दृष्टि से वो ठीक नहीं है। अपना हृदय सद्भाव से पूर्ण हो, इसलिए उन्होंने ये वाक्य कहा कि सच्चे झूठे तो सभी होते हैं। अंत में कह रहे हैं, किसी दुखी या गरीब की सहायता करने में यदि सहायक अपने को ठगा भी देता है तो वह सहृदयता की ही अभिव्यक्ति है। सामने वाला दुखी है या गरीब है, ठीक है, और वो सहायता करने गए तो उसमें जो सहायक है वो अपने को ठगा भी देता है। जैसे कि ये जो प्रसंग है इसमें स्पष्ट देखा जा रहा है कि भाई जी जो थे अपने को ठगा रहे थे, पर कहाँ ठगा रहे थे, वो तो पहले से ही जानकारी थी उनको कि ये बात सत्य नहीं है। तो इसी प्रकार महापुरुष लोग हमको बताते हैं कि ये जो पूरा का पूरा दृश्य प्रपंच है ये सत्य नहीं है। दृश्य प्रपंच ही जब सत्य नहीं है, वहाँ तो उन्होंने फ़ोन करके पता लगाया कि वो पत्नी ही उसकी नहीं थी। पत्नी का बीमार होना, फिर उसका भर्ती होना, फिर उसका मरना, है ना, ये तो सबकी बात अलग ही है। इसी प्रकार यहाँ पर महापुरुषों के पास बैठ के सत्संग करो तो ये पता लगेगा कि ये सृष्टि ही वेदांत की दृष्टि से, है ना, ये तीनों काल में सृष्टि ही नहीं है, बिना हुए हुए भास रही है। तो ये जो बिना हुए हुए भास रही है,
तो उसमें फिर हम इतना मोह किए बैठे हैं, इतना अपने को कठोर किए बैठे हैं, उसकी आवश्यकता क्या है? तो इसलिए उनके भाई जी के हृदय में तो जब भी वो आता था तो कुछ ऐसा भाव आता था, बड़ी उच्च कोटि के महापुरुष थे, इसलिए है ना ये ऐसा भाव आना और फिर अंत में ये कहना कि किसी दुखी या गरीब की सहायता करने में यदि सहायक अपने को ठगा भी देता है तो वह सहृदयता की ही अभिव्यक्ति है। तो इस सहृदयता की अभिव्यक्ति को आप देखें जगह जगह, यानी पूरा पूरा माहौल इस समय ऐसा ही है ना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ये तो व्यावहारिक तो नहीं है इस प्रकार अपने को ठगाओ। तो यहाँ तो परमार्थ की चर्चा होनी है ना, व्यवहार की चर्चा कहाँ होगी? परमार्थ में सहृदयता के लिए ये भाई जी का वाक्य है, व्यवहार की जो चर्चा है तो व्यवहारी व्यक्ति तो बेचारा पहले ही सत्संग से बच के रहता है। श्याम जी जैसे मतलब सूरवीर हैं जो कि बस डटे हुए हैं, ठाकुर जी कुछ भी कर ले है ना, वो तो कहाँ परवाह है, अब वो परवाह ही नहीं कर रहे, बस जो भी आता है महाराज जी के सामने तो महाराज जी देखते हैं देखो ये इतना बदल गया, पहले तो हमको दिखाता तक नहीं था कि कितना आया है ना, अब तो जो भी आता सहृदयता, सहृदयता हृदय में बनी रहे, क्योंकि ठाकुर जी देख रहे हैं कि इसका हृदय जो है अब जो है अब हमको संसार की सारी संपत्ति भी उसका कोई मूल्य नहीं है, एक क्षण के लिए किसी के प्रति सद्भावना आ जाए तो सस्ता सौदा है, उसका ज़्यादा मूल्य है, उस क्षण का ज़्यादा मूल्य है उस संपत्ति की बजाय। इसीलिए ये महापुरुष लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि इसको लाला को ही हम दे दें, बुद्धि है लाले महाराज के शिष्य ब्रह्मानंद नारायण 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 नारायण। वो मिल गया जेली? हाँ हाँ, ले जाने।